बुध रेखा का वर्णन करते हुए मैंने कहा, मिट गई समझे यहां रेखा खींचते समय डस्टर से, तो ये व्यापार रेखा है। अगर जीवन रेखा से निकलती है, अगर वो शुद्ध रेखा है, उसमें बुरे चिन्ह नहीं है, तो लाभप्रद है। अगर उस रेखा पर बुरे चिन्ह है, जैसे कि गुणक चिन्ह यानी खैंची या यव चिन्ह या नक्षत्र, जो भी बुरे चिन्ह होते हैं, अगर यहाँ से एक रेखा निकलकर बुध रेखा से स्वास्थ्य रेखा से जा मिलती है, यव खैंची नक्षत्र तिल काले वाले तिल भी क्यों न हो, सभी हानियों को मिटाकर स्वास्थ्य प्रदान कर अपमृत्यु से बचाकर जीवन का उद्धार करने वाली कोई रेखा है तो ये वाली रेखा है। अरे ये रेखा तो सीधी चलिए, इसके लिए फल बताना, अरे उसी की शाखा है। परमात्मा हर जगह होकर ही जाएंगे क्या, वे स्वयं जाएंगे क्या, वही किरीट धारण कर, पीतांबर का धारण कर, मुरली पकड़कर बांसुरी बजाते हुए दर्शन देंगे हमारे, उनके उनके दर्शन मिलेंगे नहीं, किसी के रूप में साक्षात्कार करेंगे, उनका भला करेंगे। यवरेखा का एक रूप एक अवतार इस हानि से बचाने का प्रयत्न करेगी। उतना बड़ा अवतार है, उतनी बड़ी रेखा है, उतनी अच्छी रेखा है, ठीक है, निकाल दीजिए इसे। साहब इतने ही बता रहे हैं, बहुत बुरा चिन्ह, ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह रहने से शास्त्रों में बताते हैं बहुत बुरा बुरे लक्षण के हैं ये रेखाएं, और इसको कारागार का वास में रहेगा, बहुत बुरा फल बताएंगे, शास्त्र में पढ़ते हैं, मगर हमारी सोच विचारों में अंतर लाएंगे तो ये मिट जाएंगे, हट जाएंगे, कम से कम हल्के हो जाएंगे। अगर ये वाली रेखा हो तो विश्वास कीजिए बंधु, इसका नष्ट तो होगा ही, क्योंकि चिन्ह चिन्ह ही है, जेल भरना ही पड़ेगा उसको, जेल जाना ही पड़ेगा, मगर दोष करने के तुरंत नहीं, बहुत समय के बाद उसका फल देर से मिलेगा। दोष करेगा कभी, न्यायालय में विचार होगा कभी, स्थगित करते हुए जाएंगे, एक दो दस पंद्रह बीस साल के बाद फल सुनाया गया कि कारागारावास, यानी पाप कार्य करने के बाद 20 साल के बाद दंड दिया जाता है। तो उतनी बचाने वाली रेखा है ये रेखा। जो व्यक्ति सैनिक अधिकारी होते हैं, सेना के विभाग में काम करते हैं, पुलिस विभाग में जो काम करते हैं, रहस्य स्थावरों में जो रहते स्थानों में चुप चुप के रहस्य कार्य करने वाले होते, उन लोगों में अग्नि संबंधी यंत्रों में काम करने वाले, या धमाके फैक्ट्रीज होते हैं उस, यानी जहाँ भयंकर हानि हो सकती है थोड़ी सी गलती के लिए, वैसे शाखाओं में भी कार्य करेंगे, अगर ऐसी रेखा हो तो बाल बाल बच जाएंगे। कुछ ऐसे लोगों में भी ये रेखा दिखाई पड़ती है, न सैनिक वृत्ति में है, न रक्षण शाखा के विभाग में काम करते हैं, न रहस्य स्थावरों में रहते हैं, भगवान वरदत्त पुत्र जो होते हैं, जिनके नसीब में कुछ हानि नहीं होने वाली है लिखी हुई है, उसके लिए भी हैं, उनके लिए भगवान का ये वरद हस्त का चिन्ह है। अपनी हथेली में वरद हस्त का चिन्ह अगर कोई है तो ये वाली, हानि भी हो जाएगी तो ये बचाएगी, उतनी अच्छी रेखा है। इसमें आप एक पूछ सकते हैं, इतने बता रहे हैं, बुरे चिन्हों को भी आपने बताया, ठीक है, हम सब स्वीकार करेंगे, शास्त्र से सहमत है, शास्त्र शासन करता है,
उसे तो विश्वास करना ही पड़ेगा, हमारे अच्छे विचारों से उसे सुधार सकते हैं। मैं भला भी बता दिया, बुरा भी बता दिया, यह वह रेखा यहाँ आ गई है, यानी कुछ रेखा आ गई है, इस पर ही यव चिन्ह हो तो, इस पर ही गुणक चिन्ह हो तो, इस पर ही अगर ये वाली रेखा हो तो इसके दो फल बताते हैं। अगर ऐसे दुष्ट चिन्ह है तो यह रेखा बचाएगी, इस रेखा में दुष्ट चिन्ह है तो यह बचाएगी, नहीं ये उतनी शक्तिशाली रेखा नहीं है, ये फलों को भोगेंगे। किस लिए? आवश्यकता से बढ़कर गुस्से में आने से, अत्यंत आवेशी बनने से, किसी की रक्षा करने के बजाय भक्षण करेंगे तो हानि क्यों नहीं होगी, रेखा कोई भी क्यों न हो। इन रेखाओं पर बुरे चिन्ह का होना अच्छा नहीं है। क्या ऐसे चिन्ह रहने से पूरी रेखा की शक्ति घट जाएगी? ऐसी बात नहीं। फिर क्या नष्ट है? जिस स्थान पर यह रेखा दिखाई पड़ती है रेखा के लिए हानि होती है, केवल स्वयं कृत अपराध है वो, अपराध अपराध ही होता है, पाप पापी होता है, पाप का फल भोगना ही पड़ता है। और ये है लघु सारांश, यानी रेखा के बहुत लवंग मात्र प्रतिफल चिन्ह मैंने बताए। अब देखेंगे कि दूसरी रेखा की वो